अगला क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग टर्म्स ओएसएस एंड एसटीटीपी। ओएसएस एंड एसटीटीपी को हमारे को एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। तो हमने बहुत बार पढ़ लिया कि ओएसएस का फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और एसटीटीपी की अगर मैं बात करूँ तो एसटीटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये दो नंबर दिलाएगा, मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, जितने मेरे लिस्ट ऑफ एब्रिविएशन दो वीडियो बनाए थे मैंने, उनके अंदर मैंने सभी को कवर किया था। मैंने ये कहा था कि आपके दो नंबर के क्वेश्चन पक्का हिट करने वाले हैं, तो उस वीडियो को देखें अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। तो ये बात हो गई इस क्वेश्चन की, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपका कि एक्सप्लेन द टर्म्स फायरवॉल एंड साइबर लॉ। तो देखिए फायरवॉल बेसिकली क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ फिंगरप्रिंट की, ठीक है, और यहाँ पर एक कोई गेट है, इस गेट तभी खुलेगा ये गेट जब इसमें फिंगरप्रिंट लगेगा। तो अगर कोई ऑथोराइज्ड बंदा है, ठीक है, ऑथोराइज्ड है, वो इसमें फिंगरप्रिंट लगाएगा तो एक्सेस क्या हो जाएगी, एक्सेस जो होगा वो इसको कर सकता है। लेकिन अगर कोई अनऑथोराइज्ड बंदा आया, ठीक है, और उसने फिंगरप्रिंट लगाया तो एक्सेस जो होगा वो डिनाइंड होगा। बेसिकली यही काम होता है आपके फायरवॉल का। तो जो फायरवॉल होता है ना, वो ओनली इट ओनली परमिट्स जो आपकी It only permits the data and the information to pass through जो हो legitimate हो, जो real information हो ना उसको अगर bypass करता है तो उसे कहते हैं firewall। और जितनी भी आपकी unauthorized जो data transfer होगा ना उसको रोकता है तो उसे कहते हैं हम firewall, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये एक software होता है that permits only the legitimate information to pass through, as simple as that, ठीक है। तो ये बात हो गई फायरवॉल की। अब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है इसी के अंदर आपका, व्हाट इज अ साइबर लॉ। देखिए साइबर लॉ एक कुछ ऐसी लॉज होती हैं, अगर कोई साइबर ऑफेंस हुआ यानी कि कोई अटैक हुआ, उसको जो डील करे उनकी जो उनके ऊपर जो लॉ लगती हैं उनको किसके अंदर लाते हैं हम, साइबर लॉज के अंदर। सपोज अगर कोई अटैक होता है, कोई मास अटैक हो गया, सपोज कोई वेबसाइट जो होगी 100 वेबसाइट जो है अगर पाकिस्तान की किसी ने हैक कर ली, तो वो पाकिस्तान के कुछ साइबर लॉज होंगी। अगर वो बंदा पकड़ा गया तो साइबर लॉज के अकॉर्डिंग उस बंदे को जो है सजा मिल सकती है, जो भी उसको जुर्माना लगेगा। तो ये काम होता है साइबर लॉज का, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जो मुझे लगता है ये फालतू के छुटमुट क्वेश्चन थे थ्योरी वाले। अच्छा क्वेश्चन आ रहा है अब, राइट, व्हाट इज द वैल्यू दैट विल बी असाइंड टू द वेरिएबल सी आफ्टर द फॉलोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट। तो इस आ रहा है ये 5 × 4 − 10 / 2 − 10 + 4। भाई हम 10th क्लास से 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं बॉर्ड मास का रूल, ठीक है, तो हमें वही अप्लाई करना है। यहाँ पर कुछ कंप्यूटर साइंस लगी नहीं है। अगर आप बोलते हैं ना भाई मैं कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मेरे को कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं आता, तो भी आप ये सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट ऑफ करेंगे, ठीक है, फिर हम डिवीजन करेंगे। देखिए सबसे पहले हम डिवीजन पर जाएंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर मेरे को जो डिवीजन है वो कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो मैं डिवीजन कर देता हूँ सबसे पहले क्योंकि 4 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 10 प्लस 4 एज सिंपल एज दैट। अब मेरे को इसको सॉल्व करना है, तो 5 × 2 दैट इज 10, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होता है 29, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो −20 दैट विल बी इक्वल्स टू 9 एज सिंपल एज दैट, इज आपका आंसर हुआ, ठीक है। कंप्यूटर साइंस के नहीं है कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसी पोटेंशियल ऐसा स्पार्क होना चाहिए अपने अंदर, ठीक है। तो ये बात हुई इस क्वेश्चन की। तो अब सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं अपन, बहुत इजी क्वेश्चन था, दो नंबर दिलाएगा। अब आता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, फर्स्ट नेम इज इक्वल्स टू आयना, आयन जो भी है, ठीक है। व्हाट इज द डेटा टाइप ऑफ द फॉलोइंग, हमें हमेशा पता है जब भी हम डबल कोट्स के अंदर कुछ लिखते हैं जो कि कलेक्शन ऑफ क्या होना चाहिए, कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कौन सा डेटा टाइप होता है, इंटीजर है क्या, बिल्कुल नहीं है, फ्लोट है क्या, बिल्कुल नहीं है, कैरेक्टर है क्या, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे कैरेक्टर से मिलके बना है। तो ये कौन सा डेटा टाइप हो गया, आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, एज सिंपल एज दैट, ये हो गया हमारा आंसर। अब आता है कि इस 325 इज सेम एज 321। देखिए मैंने हमेशा बताया है कि जब भी कोई वैल्यू आपके डबल कोट्स के अंदर लिखी रहेगी भले कुछ भी हो, वो क्या होती है, आपकी स्ट्रिंग होती है, ठीक है। तो वही कंसेप्ट लग रहा है हमारा यहाँ पर, 325 जो है आपका सेम है क्या 321 से, रीजन दो। तो देखिए हमें पता है कि 325 जो है वो एक इंटीजर है, ठीक है,
लेकिन क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर लिखा है 321 तो ये क्या होगा स्ट्रिंग होगा यानी कि इनके दोनों के डेटा टाइप जो होंगे वो डिफरेंट होंगे 325 का होगा इंटीजर और 321 का होगा स्ट्रिंग है सिंपल एज दैट आंसर हुआ अपना अगर मैं आपसे कहूं कि 325 जो इंटीजर है इसको स्ट्रिंग बनाओ कैसे बनाना है हमारे को डबल कोट्स लगा कर ठीक है तो ये हो गया आपका आंसर चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अभी आ रहा है राधिका चेंज द टेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द चेक बॉक्स नेम जे चेक बॉक्स 1 टू रीडिंग उसने क्या किया है आपके जो चेक बॉक्स है जे चेक बॉक्स नाम 1 नाम का उसका उसने टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है चेंज कर दिया रीडिंग से तो व्हाट चेंज इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन इट्स प्रॉपर्टी देखिए टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है ना वो हम कुछ भी कर दें कोई भी चेंज नहीं आएगा हमारे जो आपका प्रॉपर्टी है ना उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम टेक्स्ट की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज कर देंगे कुछ भी कर दो यार कोई चेंज नहीं आएगा हमारे जो चेक बॉक्स है उसके अंदर तो हमारा यही आंसर हुआ क्या हुआ कि नो चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड इन द प्रॉपर्टी इन द नेम प्रॉपर्टी एज सिंपल एज दैट मिल गए एक नंबर मिल गया आराम से तो ऐसी क्वेश्चन पूछेंगे कोई टेंशन की जरूरत नहीं है अब आ रहा है डी आर्या हैज टाइप्ड द फॉलोइंग कमेंट्स राइट द कमेंट्स यूजिंग अनदर वे देखिए तो अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है दिस इज अ कमेंट जो भी है आगे ठीक है सेकंड में दे रखा है ओवर टू लाइंस यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया कि ये मल्टी लाइन कमेंट है ठीक है तो हमारे को एक चीज पता है कि हमें मल्टी लाइन कमेंट अगर करना है तो हमें बार बार इस चीज का यूज करने की जरूरत नहीं है ये सिंगल लाइन कमेंट के काम आता है हमें पता है कि अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हमें क्या करना है एक बैक स्पेस लगाना है फिर एक बैक ऐसे स्टार स्ट्री लगा करके और ऐसे इसको बंद कर देना है तो ये आपका मल्टी लाइन कमांड होगा तो हमें क्या याद रखना है कि मल्टी लाइन कमांड कमेंट कैसे यूज करते हैं हम एक बैक स्पेस लगा के एस्ट्रिक लगा करके फिर हमारा जो भी कमेंट है जितनी भी लाइंस में है उसके बाद फिर से हमें एस्ट्रिक लगा करके इसको बैक स्पेस लगा देना है एज सिंपल एज दैट तो ये होता है हमारा मल्टी लाइन कमेंट एज सिंपल एज दैट ठीक है अब एक बहुत ही अच्छा एचटीएमएल कोड आ रहा है जो कि मैंने आपको बता भी चुका हूँ पिछले लेक्चर में ठीक है तो ये बता रहा है आपका ओएल टाइप इज इक्वल टू ए एंड स्टार्ट इक्वल टू डी तो इसको हमें एरर रेक्टिफाई कर करके लिखना है ठीक है अब हमारे को पता है ओएल क्या होता है आपका ऑर्डर्ड लिस्ट होता है भाई ठीक है टाइप जो है वो ए है हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में कौन कौन से टाइप होते हैं एक तो एबीसी होता है छोटा एबीसी होता है 1-2-3 होता है जो कि आपको बाय डिफॉल्ट होता है न्यूमेरिक 1-2-3 होता है मतलब रोमन 1-2-3 होता है ठीक है तो ये हमारे सारे ओएल के जो है आपके नंबर्स जो आपके टाइप हो गए वो हो गए ठीक है अब स्टार्ट इज इक्वल टू डी तो हमें पता है जब भी हम कोई कैरेक्टर की बात करते हैं ना स्टार्ट इक्वल टू ए स्टार्ट इक्वल टू बी तो हम इसमें ऐसे स्टार्ट नहीं करते हम कैसे स्टार्ट करते हैं कोई नंबर दे करके स्टार्ट इज इक्वल टू अगर 4 मैंने दिया तो वो जो है आपके डी से स्टार्ट होगा ठीक है तो यहाँ पर ना स्टार्ट इज इक्वल टू डी नहीं होगा क्या होगा स्टार्ट इज इक्वल टू 4 ठीक है तो हमने एक तो ये एरर रेक्टिफाई कर लिया कि स्टार्ट इक्वल टू हमें 4 करना है फिर ठीक है ये भी कर लिया हमने अब आ रहा है आपका लिस्ट आइटम बेक एज एन ओवन फॉर एन आर इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि लिस्ट आइटम जो होता है वो आपका एम्प्टी टाइप होता है हमें सिर्फ इसका स्टार्ट करना है फिर रिमूव फ्रॉम ओवन एलआई भी कोई दिक्कत नहीं है सर्व इक्वल्स टू एलआई भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं इसमें लास्ट लाइन की बात करूं तो क्या इसने ओएल जो हाँ स्टार्ट किया है उसके बाद ओएल बंद किया है नहीं किया है तो हमें ओएल को जो है एंड वाली लाइन में बंद करना है ये हमारा एग्जाम्पल आंसर हो जाएगा जितनी भी लाइन है वो एस एस लिखनी है स्टार्ट इज इक्वल टू 4 करना है और जो ओएल को हमें एंड में बंद करना है एज सिंपल एज दैट तो ये भी हो गया हमारा चलिए अब आगे चलते हैं एक क्वेश्चन आ रहा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल टैग्स आर नॉट प्रीडिफाइंड इन एक्सएमएल हमें इस जो इसको जस्टिफाई करना है एक्सप्लेन करना है और एक एग्जांपल देना है मैंने आपको पहले ही बताया एक्सएमएल के जो लेक्चर था उसके अंदर कि जो टैग्स होती है ना वो प्रीडिफाइंड नहीं होती यानी कि हम क्या होता है इसके अंदर जो भी टैग्स होती है ना वो हम मैनुअली डिफाइन करते हैं यानी कि नो टैग्स आर स्पेशलाइज्ड मतलब इसके अंदर पहले से कोई भी स्पेशलाइज्ड पहले से जो टैग्स है वो बनी नहीं होती है हम मैनुअली अपने टैग्स को खुद जनरेट करते हैं खुद बनाते हैं क्योंकि इसमें एग्जांपल दिया गया है तो हम एग्जांपल दे सकते हैं ऐसे कोई भी एक टैग ले लिया हमने नेम बना लिया फिर यहाँ पर हमने लिख दिया कोई भी नाम ठीक है उसके बाद हमने फिर इसको नेम को बंद कर दिया है ठीक है तो ये हमने एक टैग बना दिया है हमेशा ध्यान रखना है कि XML के अंदर टैग्स कौन सी होती है कंटेनर टाइप की होती है जो हमें क्लोजिंग भी करना है एंडिंग भी करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर तो हमने कोई भी मैनुअली टैग बना लिया और उसके अंदर हमने कोई भी अपना जो है
कंटेंट डाल दिया, तो हमें क्या लिखना है, टैग्स जो होती है वो मैनुअली डिफाइन करते हैं हम, एक्सएमएल के अंदर कोई भी प्रीडिफाइंड टैग्स नहीं होती है, हमें जिस जो यूज करना है टैग का वो यूज हम टैग बनाएंगे। और एक एग्जांपल हम दे देंगे यहाँ पर कि नेम का हमने एक टैग बनाया इसके अंदर हमने कुछ भी कंटेंट लिखा है, सिंपल है। ये हो गया आपका दो नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। अब बात आ रही है आपके नेम टू प्रॉपर्टीज इन द टू मेथड्स दैट आर कॉमन इन जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे लेबल। हमें दो ऐसे मेथड्स लिखने हैं और दो ऐसी प्रॉपर्टीज लिखनी है जो आपकी कॉमन होती है जे टेक्स्ट फील्ड एंड जे लेवल के अंदर। देखिए अगर आप इसके अंदर कुछ लिख के नहीं आएंगे ना तो भी आपको दो प्रॉपर्टी एकदम बिल्कुल खचाखच तरीके से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी? गेट टेक्स्ट जो मेथड होता है आपका, और जो सेट टेक्स्ट मेथड होता है अपने लेबल और जे टेक्स्ट फील्ड में, दोनों में सेम होता है। तो ये हो गई मेथड की बात, ठीक है। अब अगर मैं प्रॉपर्टी की बात करूं तो हमें पता है कि इज अनेबल्ड जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, और जो सेट बैकग्राउंड करके जो प्रॉपर्टी होती है दोनों में हमारे कॉमन होती है। किसके अंदर? आपके लेबल के अंदर और टेक्स्ट फील्ड के अंदर। तो हमारी जो गेट टेक्स्ट और सेट टेक्स्ट हो गए, तो मेथड्स हो गए जो आपके इन दोनों के अंदर कॉमन है, और इज अनेबल्ड और सेट बैकग्राउंड जो हो गया प्रॉपर्टी हो गई जो इन दोनों में कॉमन है। नोट कर लीजिए बहुत ही इजी पे।